वैसे बड़ा लोड़ लोड़ करता है यार। दुबई में बुर्ज खलीफा, लंदन में टावर देखा है, और अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो तेरे लाहौर में क्या? और ये प्लेस ही है भाई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपने दोस्त को लेने जाऊंगा, फिर उसके साथ मैं वो ट्रैवल ब्लॉग बनाने जाऊंगा। मिनारे पाकिस्तान बड़ा लोड़ लोड़ करता है यार। दुबई में बुर्ज खलीफा है, लंदन में टावर देखा है, और अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो तेरे लाहौर में क्या? यार क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, शाही किला, मनारे पाकिस्तान है, हो गया मनारे पाकिस्तान। हाँ आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ, ग्रेटर इकबाल पार्क में, ये देखना आप मुझे लिखा है। मैं आपको ये टूर गाइड भी करूंगा और आपको ये बताऊं कि ये डांसिंग फाउंटेन है, ये रात के वक्त चलते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए दिन टाइम आए हैं, क्योंकि रात को आज संडे है, हर किसी ने यहाँ पर आना और यहाँ पर रश बहुत होना है, इसलिए हमसे ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया जाना। यार ये आपने अभी एक गाड़ी देखी होगी, ये गाड़ी टूर करवाती है जो उन लोगों के लिए जो मजदूर होते हैं जो चल नहीं सकते, ये गाड़ी उनके लिए, वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो वो इस गाड़ी में बैठ के सारा ये मनारे पाकिस्तान किला घूमते हैं। यार उस्मान मैं तो कहूँगा चलो यार चलने से मतलब हेल्थ भी होती है, ज्यादा सेहत भी होती है, और गाड़ी मजदूर लोगों के लिए ना। मुझे ले तो आया है मिनारे पाकिस्तान, लेकिन यहाँ तो यार जंगले लगे हैं, मैंने तो नहीं देखा बुर्ज खलीफा के साइडों पे जंगले लगे यार, ये क्या बताएं यार, अंदर कीमती शायद कोई कीमती चीज़ है वहाँ पर, ये वाम उसे ख़राब करती हो, इसलिए उन्होंने ये लगाया, वरना कि पागल है वाम यहाँ पर देखने आती है मिनारे पाकिस्तान चौक से। अच्छा और ये लगा देते हैं, कौम की बात है, कौम की बात है। ठीक ਪੰਡਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਚੋਲ ਖਾਓ ਭਾਈ ਪੀਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਚੋਲ ਖਾਓ ਸਾਈ ਪੀਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰੇ ਆਪ ਹਮਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆਪ ਹਮ ਬੈਠेंगे ਕਸ਼ਤੀ ਪਰ ਦੋ ਚੱਕਰ ਹੋਗਾ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਸ यार अब हम बैठने लगे हैं, अब आप देखिए
बैठा था गाँव में बैठा, लेकिन आज मुझे बड़ा मजा आया। आज देख लिया शहर की पिक। जिंदगी में दूसरी बार ये कश्ती में बैठा। मैं जब गाँव से सामान, तुझे पता तू यहाँ फेर तोड़ा है, लेकिन यहाँ हुआ क्या था यार? यहाँ पर 1960 में ना ये मीनारे पाकिस्तान बना था, ये इसमें यहाँ पर ये 70 फुट का है और ये 70 लाख रुपए लगे थे उसके ऊपर। और आजकल लोग 70 लाख रुपए की प्राडो लेके उधर जा रहे हैं कभी उधर। तो ऐसा ही रहता ना, अगर पाकिस्तान ना बनता तो हमने यहाँ पर 70 लाख रुपए किसी हिंदुओं की वहाँ पर गुलामी करनी का। पाकिस्तान का आइडिया मिला था, मतलब अलग वतन का। यहाँ पर 1900 यार बड़े मज़ेदार थे, अभी चले अब ख़त्म हो गया यार। चलो यार आओ चले यार। कबीर आते क्या हुआ? पागल है ये, देख यार उन्होंने इतने पैसे लगा के वहाँ पर डस्टबिन बनाई और तू फिर इसे फेंक रहा है यार। तू फेंक के ना ये यहाँ पर कचरा, कल को और आके यहाँ पर गंदगी फैला देंगे। ये साफ जगह नजर आ रही है तो यहाँ पर पत्ते दरख्तों के बाद और कोई गंद नजर आ रहा है। फिर तुम मुल्क के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, ये अपने इस माहौल को तो साफ रख लो। ठीक है थोड़ी आज ना मैं दस। अच्छी बात है तुझे जल्दी समझ आ गई। यार मैं आपको भी ज़रूर कहूँगा, अगर कोई बाहर साफ जगह या एक या पार्क में आए तो उसे अलूदा ना करें, क्योंकि आपको भी कोई देख कर ऐसा ही करेगा। यार उस्मान सांस ले ले यार, मीनारे पाकिस्तान इतना बड़ा मीनारे पाकिस्तान है। हम मुल्क के लिए कुछ कर तो नहीं ना सकते यार, दाग वास्ता इसे गंदा भी ना करो, लूदा भी ना करो। यार हमने पीछे भी बड़े ब्लॉग बनाए हैं, हमने दरख्त का क्या, दरख्त से लूदगी काम होती है यार। अगर आप वो नहीं कर सकते ये तो करो, इससे इसमें कौन सी मेहनत है, बस आपने जाके डस्टबिन में कूड़ा फेंकना। यार इस फोन तुझे कैसा लगा आज मीनारे पाकिस्तान? यार आपका सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह। साईं पीर दे भंडारे मिठे चोल खाओ, साईं पीर दे भंडारे मिठे चोल खाओ, साईं पीर दे भंडारे मिठे चोल खाओ, साईं पीर दे भंडारे मिठे चोल खाओ। उच्छल मारे दत दम लारे अगे या